की बड़ी अपडेट की और आपको बता दें कि कल बहुजन समाज पार्टी जौनपुर में करेगी महिला सम्मेलन और उसके बाद 26 तारीख को आपको बता दें कि बीएसपी की तरफ से किया जाएगा वाराणसी के अंदर महिला सम्मेलन। आपको बता दें कि तमाम सम्मेलन बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की माता जी के निधन होने की वजह से स्थगित हो गए थे, वरना इससे पहले ही ये कार्यक्रम होने थे, लेकिन अब आपको बता दें कि फिर से इनको रिन्यू किया गया है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के निर्देश आदेश पर सतीश चंद्र मिश्रा की पत्नी श्रीमती कल्पना मिश्रा कल जौनपुर के अंदर एक महिला सम्मेलन को बीएसपी की तरफ से आयोजित कर प्रबुद्ध वर्ग महिला सम्मेलन को संबोधित करेगी। और उसके बाद आपको बता दें कि 26 नवंबर को जब संविधान दिवस है उस दिन वाराणसी में एक महिला सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। लगातार आपको बता दें कि महिला सम्मेलन बीएसपी की तरफ से किए जा रहे हैं, करीब एक दर्जन से ज़्यादा महिला सम्मेलन अभी तक किए जा चुके हैं और उसके बावजूद भी आपको बता दें कि लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। सतीश चंद्र मिश्रा राज्यसभा सांसद की पत्नी है कल्पना मिश्रा और लगातार वो आपको बता दें कि महिला सम्मेलन कर रही है, बहुजन समाज पार्टी से महिलाओं को जोड़ रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में महंगाई के बढ़ने के बाद महिलाओं को जोड़ना बीएसपी के लिए सबसे ज़्यादा बेहद जरूरी था और इसकी जिम्मेदारी कल्पना मिश्रा के हाथों में है।